स्वामी जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी महाराज आज पधारे हैं। आमंत्रित तो श्रृंगेरी और कांची के शंकराचार्यों को भी किया गया था, परंतु वे दूर होने के कारण नहीं आए। कांची के शंकराचार्य का मेरे पास संदेश आया था कि मैं तुम्हारे आश्रम में चातुर्मास करना चाहता हूँ, पर इस उत्सव की संभावना थी चातुर्मास में, इसलिए मैंने उनसे बड़े विनय से कह दिया कि चातुर्मास के दिनों में हमारा आश्रम भरा रहता है, आपकी सेवा हम पूरी रूप से नहीं करते। ये महात्मा जो हमारे दाहिनी ओर बैठे हैं, जगत गुरु शंकराचार्य, ये मेरा ख्याल है कि 22-23 वर्ष के जब होंगे तब मुझे ऐसे ही ख्याल है, 1-2 वर्ष का फर्क हो सकता है। उस समय ये जंगलों में रहते, एक वस्त्र इनके शरीर पर, एक वहां स्थान है झोंक, जिले का नाम तो मुझे याद नहीं है, झोंक नाम का स्थान है, वहां मुझे ले गए। बिल्कुल जंगल में, घोर जंगल में, आदिवासी लोग, वो जीप छेद के सूजे से और वो अपने गाल छेद कर और ढोल बजा बजा के आगे आगे चलते थे। ऐसी बोली बोलते थे महाराज कि उधर से गीदड़ बोलने लगे और उधर से कुत्ते भौंकने लगे। रात को पत्ते पत्ते की छाया करके हम लोग जंगल में रहे, वहां उस घोर जंगल में महाराज, जहां पत्थर ही पत्थर, पहाड़ी पहाड़ी, वहां महाराज एक दिन इनको जल की आवश्यकता पड़ी। एक गड्ढे में थोड़ा पानी, जाके इन्होंने हाथ से उस गड्ढे की मिट्टी हटाई और ईश्वर की कृपा से उसमें से एक स्रोत निकल आया। वो अभी भी है, उसको परमहंसी गंगा के नाम से अब वहां के लोग कहते हैं। मुझे इनका पहला प्रश्न याद है, शरणागति का क्या स्वरूप है दाऊ जी के मंदिर में, और मैंने इन्हें सुनाया कि मैं शरणागत नहीं हूं, ये भ्रम। असल में संपूर्ण चराचर विश्व परमात्मा के द्वारा संचालित है, परमात्मा के द्वारा अधिष्ठित है, परमात्मा के द्वारा प्रकाशित है, उसमें अशरण नाम की तो कोई वस्तु ही नहीं है। ये तो भ्रांति है कि मैं भगवान की शरण में नहीं हूं। शरण में रहते हुए भी जब शरण का तिरस्कार करते हैं नारायण, उसके बाद ऐसी मित्रता हुई हमारी, मेरी उम्र 32-33 वर्ष की होगी, संभवतः 15 वर्ष का फर्क है हमारी और इनकी उम्र में। वहां से फिर वृंदावन आए, मेरे साथ साथ रहे, हम लोगों ने एक साथ भोजन किया। हम एक एक चौकी पर बैठे, एक साथ बैठकर वेदांत विचार किया, उसके कुछ अंश लिखे हुए हैं स्वामी जी महाराज के हाथ के ही लिखे हुए हैं, अब उसको हम प्रकाशित कर रहे हैं। बड़ा बड़ा दिव्य और उच्च कोटि का, बाद ग्रंथों का जैसा सत्संग होता है, अद्वैत सिद्धि का, चित्ति का, खंडन खंड खाद्य का, स्वयं प्रकाशता का नारायण, वो उस तत्त विषय के सत्संग हैं। वर्षों तक हम लोग 5-6 बरस तक एक साथ रहे, एक कुटिया में रहे, एक साथ भोजन किया, शयन किया। श्री उड़िया बाबा जी महाराज का शरीर पूरा होने पर
इनको खिन्नता हुई और यहाँ से फिर बाहर गए। फिर भी हम लोग मिलते ही रहे, श्री कर्पात्री जी महाराज के पास रहकर अध्ययन अध्यापन किया, श्री ब्रह्मानंद जी से, जगत गुरु शंकराचार्य से इन्होंने दंडक ग्रहण किया। वैसे तो संन्यास का नाम संबंध त्याग होता है, परंतु गुरु भाई कहने की रीति सन्यासियों में भी। श्री कर्पात्री जी महाराज ने उनके शंकराचार्य होने से पूर्व संन्यास ग्रहण किया था और उन्हीं के प्रभाव से संभव कि जब उन्होंने इनसे संन्यास लिया तो बड़े योग्य होंगे। श्री उड़िया बाबा जी की आज्ञा से मैंने भी उनसे संन्यास ग्रहण किया। बाद में श्री शांतानंद जी ने, रहते हैं यहाँ, श्री विष्णुदेवानंद जी ने जो प्रातःकाल यहाँ विराजमान थे, स्वामी श्री स्वरूपानंद जी ने उन्हीं से संन्यास ग्रहण किया। महाराज, हमारी जनता सामने बैठी है, हजारों की संख्या में है, इनकी कितनी श्रद्धा है हम लोगों के ऊपर। जमीन में बैठते हैं, गर्मी सहते हैं, भूख प्यास सहते हैं, इनको शौच लघुशंका भी रोकना पड़ता है, यहाँ बैठते तीन तीन चार चार घंटे लगातार बैठे रहते हैं। साधुओं पर, महात्माओं पर अभी कितनी श्रद्धा है देश में, जनता में, ये बात देखने को मिलती है। ये काशी के विद्वान, ये देश के कोने कोने के विद्वान, ये जनता साधु महात्माओं से श्रद्धा लेने के लिए आए हैं। मैंने प्रेम कुटीर में सीखा था, एक महात्मा उखड़ गए, उखड़ गए तो सबने बैठ के शांत भाव से सुना, गाली देते रहे, सबने सुना। और हरिकृष्ण दास अग्रवाल, देवी दयाल स्टील वाले, वे हाथ जोड़कर उठे और बोले, महाराज आपको सब कुछ कहने का अधिकार है, परंतु आपके प्रति जो हमारे हृदय में श्रद्धा है उसको बिगाड़ने का अधिकार आपको नहीं है। नारायण, ऐसी श्रद्धा का लोप हो रहा है, ऐसी तत्वज्ञान संप्रदाय का ह्रास हो रहा है, ऐसी भक्ति भी ढोंग बनती जा रही है, धर्म में आडंबर आता जा रहा है, देश की जनता की दशा बिगड़ती जा रही है, बहिर्मुखता बढ़ रही है और अंतर्मुखता घट रही है। आज कौन देखता है हमारे हृदय में आत्मा कैसा है, परमात्मा परमात्मा कैसा है। हमारा वैदिक धर्म, वैराग्य रागोपाधिम आम नाको भय लक्षणान, कैसे धर्म है कि जिनमें वैराग्यवान के लिए दूसरा धर्म है, रागवान के लिए दूसरा धर्म है। वैराग्य रागोपाधि व्याम आम नातो वह लक्षणान, इसमें गृहस्थ धर्म भी है, सन्यासी धर्म भी है और वानप्रस्थ धर्म भी है, और सबका मूलभूत गृहस्थ धर्म है और ब्रह्मचर्य से वो प्रारंभ होता है। ब्रह्मचारी भी गृहस्थ का बेटा, वानप्रस्थ भी गृहस्थ का बेटा, सन्यासी भी गृहस्थ का बेटा, और वही अपनी रोटी दे दे करके इन लोगों को खिलाता है। इनका विभाग है अपना, अपने अपने विभाग की सेवा करते हैं। अब कोई कहे कि पहरा देने वाला पहरा न दे, फावड़ा चलावे, और फावड़ा चलाने वाला फावड़ा न चलावे, कृषि कर्म न करे, नारायण वो तो वेद पढ़े, और वेद पढ़ने वाले से कहा जाए कि अब तुम वेद मत पढ़ो, नारायण लेके बंदो खड़े हो जाए, तो इस तरह तो सारी ही अब व्यवस्था हो जाएगी। शील, स्वभाव, विनय, सद्धर्म, सदाचार की आवश्यकता हमारे जीवन में है। अब मैं स्वामी निवृत्त शंकराचार्य पदवी कहा, ये शब्द महाराज पहले पहल मैंने काशी में ही देखा। महामहोपाध्याय लोगों ने एक बार ब्रिटिश सरकार के पास अपने महामहोपाध्याय पदवी का परित्याग कर दिया,
अस्वीकार कर दिया, हम महामहोपाध्याय नहीं रहे। लेकिन महाराज महामहोपाध्याय लिखने का लोभ तब दूसरी तरह से लिखा जाने लगा, संन्यस्त महामहोपाध्याय पद का। ये मैंने दसियों के साथ देखा, छोटे छोटे महामहोपाध्यायों के साथ नहीं, बड़े बड़े महामहोपाध्याय, संन्यस्त महामहोपाध्याय पद भी कहा। तो नारायण हम स्वामी श्री शांतानंद जी महाराज से, जो हमारे परम आत्मीय हैं, और श्री स्वरूपानंद जी महाराज से विनय करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद दें और प्रवचन करें, उपदेश करें। अभी आज कल परसों तीन दिन तो इस उत्सव में ही हैं, और इस उत्सव को अपने ही समझ के, जैसे अपना ही घर समझ के, ये ठीक ठीक संपन्न हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दें। ओम शांति शांति शांति। सदाम सर्जनम जमदूतानाम राम रामेश गर्जनम। ओम नमः।